हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मियां फैसल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिकेट डायरी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का कहना है, पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा जो न्यूज़ीलैंड में सेंचुरी कर सके। मोहम्मद आमिर जब तक बाल को अंदर नहीं लाएंगे कामयाब नहीं हो सकते। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का मज़ीद कहना था कि पहले भी कह चुका हूँ, इस टीम के टॉप फाइव में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो न्यूज़ीलैंड की कंडीशन में सेंचुरी बना सके। वसीम अकरम ने कहा है कि हमारे बैट्समैन ट्रेंट बोल्ट को ठीक अंदाज से खेल नहीं पा रहे, इन्हें अपनी तकनीक बेहतर बनाना होगी। स्विंग के सुल्तान ने कहा है कि मोहम्मद अंबर जब तक गेंद अंदर नहीं लाएंगे कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और अजीम ऑलराउंडर वसीम अकरम ने कहा है कि ग्रीन कैप में कम बैक करने की भरपूर सलाहियत है। सरफराज अहमद अच्छा कप्तान है, इसे मैच्योर होने में वक्त लगेगा। लाहौर में निजी तकरीब से शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अकरम ने कहा है कि महज एक मैच हारने वाली टीम की परफॉर्मेंस पर मनफी तबसरे अच्छी बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है। इनका मजीद कहना था कि असल चीज़ टीम का इतिहाद है, कौमी टीम कम बैक करने की सलाहियत रखती है। श्रीलंका टीम का पाकिस्तान आकर खेलना खुश आइंद होगा, इससे क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा। ये थी आज की अपडेट वसीम अकरम के बारे में। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।